प्रेमानंद मौन, प्रेमानंद मौन, रब से बढ़कर और है कौन। प्रेमानंद मौन, प्रेमानंद मौन, ईश्वर ही है और है कौन। नए की शक्ति क्या है? नए की शक्ति में पूर्णता प्राप्त होती है। जो भी इंसान चीज़ों को देखता है तुरंत उसमें संभावना देख लेता है, तो उसका नया रूप क्या होगा वह पहचान लेता है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें, प्रार्थना बीज ध्यान के साथ बोने वाले हैं। नए साल में जागृति को महत्व सबसे ज़्यादा देने वाले हैं। जागृति हो आपके भाव में, जो विचार वाणी और क्रिया से तालमेल में हैं। आपके भाव, आपके विचार, आपकी वाणी, आपकी क्रिया वन हैं। ध्यान दें इस बात पर कि आपकी वाणी विचारों के साथ, क्रियाओं के साथ, भावों के साथ एक है, तब आप नया जीवन, अखंड जीवन जी पाएंगे। जागृति के साथ देखें, आपके विचार भावों वाणी और क्रिया के साथ एक हों और नए साल में महत्व दें आपके कर्मों को, जो भावों के साथ, वाणी के साथ, विचारों के साथ तालमेल में हैं। यह वन जीवन है। जिसके पास जागृति की जय है, जय वह जवान है। जागृति के लिए अपनी विवेक शक्ति जगाएं और सभी को विवेक शक्ति मिले यह मंगल भावना करें। विवेक में ज्ञान और विज्ञान दोनों साथ में हैं। तेज ज्ञान की तरफ जाने के लिए यह आवश्यक है। खोज वैज्ञानिक दृष्टि से करें, बुद्धि रद्दी न हो जाए, शरीर कमजोर न हो जाए। फौलादि शरीर तेज बुद्धि, शरीर में निडरता साहस की अभिव्यक्ति, ऐसी शुभेच्छा रखकर प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, मेरी इंद्रियां, मेरा मन, सबका तालमेल आपस में ऐसे बैठ जाए कि ईश्वर की अभिव्यक्ति आपकी अभिव्यक्ति हो पाए। ऐसी कृपा के लिए
ऐसे आशीर्वाद देने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। जब भी मन निराशा में जाए तो उसे ये बातें याद दिलाएं, यह प्रार्थना करें, तुरंत उसे याद दिलाएं आप कौन हैं, जो हो रहा है किसके साथ हो रहा है, आप कुदरत का करिश्मा हैं। अगर खुद को शरीर मानकर जिएंगे तो सुस्ती में जिएंगे और केवल इंद्रियों की सेवा करेंगे। जब स्वयं को पहचानेंगे तो चुस्ती भरा जीवन जिएंगे, इंद्रियों को सत्य की सेवा में लगाएंगे, इंद्रजीत बन जाएंगे। नर से नारायण इंद्रजीत, खुद से सवाल पूछकर जागृत करें, अटेंटिव होकर जीवन जिएं, वर्तमान में जिएं। नया साल निमित्त बनता है आपको चौकस बनाने में, इसका भरपूर लाभ लें, इतना लाभ लें कि इसका असर पूरे साल पर हो। आप विचारों से अलग हैं, विचारों को जाते हुए देखो, आते हुए देखो, बिना उनकी निंदा किए, बिना निंदा बिंदास होकर देखें। कोई भी विचार आपको अपनी हकीकत से जुदा नहीं कर सकता, खुदा से जुदा नहीं कर सकता। अलाइनमेंट जब भी बिगड़े उसे तुरंत ठीक करना है, प्रार्थना करके तुरंत अपने भाव विचार वाणी क्रिया को वन बनाकर फिर से सत्य की अभिव्यक्ति करनी है। मुक्ति की इच्छा, लक्ष्य की शक्ति, निस्वार्थ भाव की शक्ति आपको बदल कर रख देगी। इन शक्तियों के लिए प्रार्थना करें, हे परमात्मा मुझ में सत्य के प्रति प्रेम जगाओ। पूरे प्राणों से, पूरी शक्ति से, बुद्धि से यह प्रेम मुक्ति के लिए बढ़े। मेरा हर भाव हर कर्म लोक कल्याण के लिए इस्तेमाल हो, जिसमें सबका मंगल है, मेरा मंगल है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तपर्पण करके आज का सेशन समाप्त करेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। आज के संदेश का शीर्षक है नए की शक्ति, नए की जीत, द पावर ऑफ न्यू। नए की संभावनाएं, नए की शक्ति हमारे जीवन में क्या कर सकती है, नए को क्यों स्वीकार करना चाहिए तुरंत, नया किसको कहा जाए, नए का अर्थ जो पूर्णता लाता है, जो चीज़ पूर्णता नहीं ला रही, अपनी पूर्णता तक नहीं पहुंची, वह नई नहीं है। जो चीज़ पूर्ण होती है वह नई है। हमारे आजू बाजू में कौन सी चीज़ें हैं जो नई हैं? नई परिभाषा के अनुसार
कितनी चीज़ें हैं हमारे आसपास जो नई हैं। उदाहरण से समझें कि जो अपूर्ण है उसमें अब और कुछ जुड़ना है, तब जाकर वह पूर्ण बनेगी। पूर्ण बनने के बाद वह नई होगी। एक समय था जब लोग लिखते वक्त पक्षी का पंख लेकर इंक में डुबोकर लिखते थे, तो वह पेन पुरानी थी। उस वक्त कोई पूछता कि ये जो पंख है, पेन है, क्या ये नई है? तो आप कहते ये नई नहीं है, क्योंकि ये अपनी संभावना से बहुत दूर है, क्योंकि इसमें अब रिफिल जुड़ना है, इसमें अब इंक जुड़नी है, निब जुड़नी है, तब जाकर वह अपनी पूर्ण अवस्था तक पहुंचेगा। आज की पेन कैसी है? आज वह अपनी पूर्णता को प्राप्त कर चुकी है। अब कोई रंग बदलेगा, उसमें कुछ जोड़ेगा, ये अलग चीज़ है, मगर एक पेन कैसी होनी चाहिए? जब वो अपने प्रोसेस में थी तो नई नहीं थी। नए की शक्ति क्या है? नए की शक्ति में पूर्णता प्राप्त होती है। जो भी इंसान चीज़ों को देखता है, तुरंत उसमें संभावना देख लेता है, तो उसका नया रूप क्या होगा वह पहचान लेता है। खोजी को देखकर उसकी अवस्था क्या होगी, ऐसी कौन सी अवस्था आएगी आगे जिसको पूर्ण कहा जाएगा? भक्त को देखकर ऐसी क्या अवस्था आगे आएगी जिसको पूर्ण कहा जाएगा? पूर्ण नहीं हुई है तो वो नई नहीं है। लोग सोच लेते हैं कि अभी अभी फैक्ट्री से आई है यानी नई है, ऐसा नहीं है। अभी अभी रंग लगाया है ये नई बन गई है, ऐसा नहीं है। उसकी पूर्णता के लिए उसमें क्या क्या जोड़ना होगा? सब संभावनाएं जुड़ गई तो वह चीज़ नई बन गई। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।